नमस्कार, मैं हेमंत जायसवाल और आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज़। आप सभी दर्शकों को जलजूनी एकादशी की सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ। झालावाड़ जिले के रटलई थाना क्षेत्र के गुराड़खेड़ा में स्थित उजाड़ नदी में एक युवक का पैर फिसल गया, जिससे उसकी नदी में डूबने से मौत हो गई। रटलई थानाधिकारी रामस्वरूप राठौर ने बताया कि मांगीलाल पिता कालूलाल, जाति भिल, उम्र 30 वर्ष, निवासी गुरदखेड़ा, जिसकी एक दिन से तलाश चल रही थी और नदी में डूबने की आशंका जताई जा रही थी, जहां स्थानीय पुलिस व गोताखोरों लगातार नदी में ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, जिसकी आज नदी में तैरती हुई लाश दिखाई दी और बाहर निकालकर मौके पर ही शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। परिजनों को शव सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। उनेल कस्बे में शनिवार को जलजूनी एकादशी का पर्व बड़ी ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सभी मंदिरों के देव विमान एक साथ ढोल धमाकों के साथ निकले गए। ढोल यात्रा श्री राधा कृष्ण अस्थल मंदिर, श्री सत्यनारायण मंदिर, श्री नरसिंह मंदिर, श्री राम मंदिर, सभी जगह से ढोल यात्रा एक साथ शुरू हुई, जो गाँव के मुख्य मार्गों से होते हुए तालाब किनारे पहुँची। तालाब पर सभी देव भगवान को स्नान करवाया गया व आरती उतारी गई। आरती के बाद प्रसादी का वितरण किया गया। ढोल यात्रा का ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प अर्चना कर स्वागत किया। ढोल यात्रा के बाद सभी देव विमान अपने अपने मंदिर पहुंचे, जहां भगवान को श्रद्धालुओं द्वारा झूले में झुलाया गया। पिड़ावा में अखंड सनातन हिंदू समाज के तत्वाधान में जल झूलनी एकादशी पर देव विमानों की ढोल यात्रा निकाली गई। ढोल यात्रा का जुलूस जैसे ही आज़ाद चौक में पहुँचा तो वहाँ साप्ताहिक सौहार्द की मिसाल देखने को मिली। यहाँ मुस्लिम समाज के लोगों ने गर्मजोशी के साथ जुलूस में शामिल अखंड सनातन हिंदू समाज अध्यक्ष दिलीप शर्मा, राजू मालिक आदि का साफा व माला पहनाकर तथा पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। जुलूस पर पुष्प वर्षा का दौर काफ़ी देर तक जारी रहा। इस दौरान जुलूस में शामिल हिंदू समाज के लोगों को शीतल पेय भी पिलाया गया। स्वागत करने वालों में तहसील वक्फ कमेटी सदर हाफिज जफ़ार, नसरुद्दीन खान, गुड्डू भाई यूसुफ, रईस अब्दुल वहीद पिंटू, वकील अहमद गुड्डू, जान मोहम्मद, रईस मंसूरी, सरफुल्ला खान, रजाउल्ला, फरवेश मियां, रियाजुल्ला, जमील मंसूरी आदि शामिल रहे। पिड़ावा में जल जुलनी एकादशी पर अखंड समाज द्वारा सजीले देवीमानों की भव्य ढोल यात्रा निकाली गई। शहर के पद्मनाथ स्वामी मंदिर में महाआरती के बाद मध्य प्रदेश के बदनावर से आए सम्राट म्यूजिक बैंड के साथ देवीमानों की ढोल यात्रा शुरू हुई। ढोल यात्रा के आजाद चौक में पहुंचने पर गायत्री परिवार की ओर से मुख्य ट्रस्टी राकेश मीणा की अगुवाई में एवं नगर पालिका की ओर से पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि रामेश्वर पाटीदार व वाइस चेयरमैन राजू मालिक की अगुवाई में जुलूस का भव्य स्वागत किया गया। वहीं कहार समाज की ओर से लोगों को अल्पाहार कराया गया, जहाँ बड़नगर के बैंड ने मधुर भजनों व देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी। ढोल यात्रा के आगे पद्मनाथ स्वामी मंदिर का देवीमान चल रहा था। इसके पीछे शहर के राठौड़ समाज, स्वर्णकार माली समाज, भावसार समाज, सेन समाज, नामदेव दर्जी समाज, खाकी जी मंदिर, माताजी मंदिर, बालीद्वारी मंदिर आदि से एक दर्जन मंदिरों के देवीमान चल रहे थे। ढोल यात्रा में शामिल विमान झांकियाँ आकर्षक का केंद्र रही। ढोल यात्रा शहर के नयापुरा, वीडियो चौक, सुभाष चौक, सुल्तानपुरा, सेठान मोहल्ला, शहर मोहल्ला होते हुए 56 दरवाजा चौनी नदी के तट पर पहुंची। झालावाड़ जिले के बंधा जागीर के जंगलों में वन विभाग के चौकीदारों ने संयुक्त रूप से मनोर थाना रेंज अधिकारी दीपक मालवा के निर्देशन पर झालावाड़ जिले के नाका प्लांटेशन में राजस्थान जल महोत्सव 2024 का कार्यक्रम 14 सितंबर को आयोजित किया गया। आज जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किया गया। जल संसाधन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य जल संरक्षण और संचयन के महत्व को बढ़ावा देना है। जल महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मनोर थाना क्षेत्र वन विभाग अधिकारी जुगराज मीणा ने बताया कि बंदा जागीर के प्लांटेशन में जल भराव कार्यक्रम आयोजित किया गया। झालावाड़ में राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार जलजूनी एकादशी के अवसर पर संपूर्ण प्रदेश में पूर्ण भरे हुए जलाशयों पर शनिवार को राजस्थान जल महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। इसी क्रम में झालावाड़ में जिला स्तरीय कार्यक्रम गोमती सागर तालाब के किनारे द्वारकाधीश मंदिर प्रांगण झालरापाटन में आयोजित किया गया। आवर कस्बे में शनिवार को ढोल ग्यारस के पर्व पर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सर्व हिंदू समाज द्वारा दोपहर 2 बजे
भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई एवं झांकियां बनाई गई। देवीमान गोवर्धननाथ मंदिर, लक्ष्मीनारायण मंदिर, गिरधारी नाथ मंदिर, श्री राम मंदिर के देवीमानों को बैंड बाजों के साथ नगर भ्रमण करवाया गया। जगह जगह फूलमालाओं से वर्षा कर स्वागत किया गया। कस्बे के मुख्य मार्ग से होते हुए देवीमान हाट चौक पहुँचे। इसके बाद आओ नदी में देवीमान के भगवान को स्नान कराया गया एवं आरती कर प्रसादी वितरित कर बैंड बाजों से देवीमान शाम को अपने अपने मंदिर को पहुँचाया गया। सभी ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में भाग लिया। शामगढ़ तहसील के कृषि उपज मंडी में आज व्यापारी द्वारा कृषि उपज मंडी बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया गया। व्यापारियों का कहना था कि चीन की प्रतिबंध लहसुन बिक रही है। लहसुन पर लगे पूरी तरह रोक शामगढ़ में व्यापारियों द्वारा चीन के लहसुन का विरोध करते हुए आज कृषि उपज मंडी बंद रखी गई और लहसुन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। व्यापारियों द्वारा बताया गया कि चीन की लहसुन से देश के व्यापारियों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, इस पर प्रतिबंध लगे इसको लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन। मंदसौर में बारिश के बाद नदी नालों में उफान पर है। इन सब के बाद अब कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जो कि सरकारी सिस्टम पर कई सवाल खड़े करती है। जहां एक ओर पुलिया के अभाव में जिंदगी की अंतिम राह भी मुश्किल भरी हो गई है तो वहीं दूसरी ओर जुगाड़ का पुल बनाकर नाला पार करने को मजबूर है लोग। पहली तस्वीर मंदसौर जिले के दलौदा तहसील के मजेसरा नई आबादी गांव की है, जहां दिवंगत के अंतिम संस्कार के लिए ग्रामीणों को मुक्ति धाम तक जाने के लिए सोमली नदी को पार करना पड़ता है। पुलिया यारपट नहीं होने से लोग यहां नदी में उतरकर मुक्ति धाम तक जाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार हर साल मानसून से यह परेशानी शुरू हो जाती है जो नदी में पानी होने तक रहती है। नदी उफान पर होने के कारण कई बार अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार भी करना पड़ता है। यह मुक्तिधाम सीधे पहुंचने का रास्ता है जो कि गांव से महज 500 मीटर दूर है। वहीं घूमकर जाने पर रास्ते की दूरी 2 किमी से ज़्यादा हो जाती है, लिहाजा लोग ज़्यादातर इसी शॉर्टकट मार्ग का उपयोग करते हैं और इस मार्ग को सुगम करने की कई सालों से मांग भी कर रहे हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए खबर 24 न्यूज़। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचोरी एंड मिस्टर भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरा लाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिस्टर भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजेटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।